हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर एवर पे। आज मैं आपके एक ऐसे बड़े सवाल का जवाब देने वाला हूँ जिसको बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जो नहीं खाना चाहिए वो क्यों नहीं खाना चाहिए। इसी पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों, वो आज की डेट में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है, ना सिर्फ बुजुर्गों में और बड़ों में, बल्कि आजकल जो हाइपरटेंशन है, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, वो यंग एडल्ट्स में भी काफी देखा गया है। उसी का कारण है कि आजकल हार्ट अटैक और इवन स्ट्रोक जैसी बीमारियां बहुत कम उम्र के लोगों में भी देखी जाती हैं। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ दो ही है, हमारा खाने पीने की आदतें और हमारा लाइफ स्टाइल। तो इस वीडियो में थोड़ा हम फोकस करेंगे हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं उनके बारे में। और अगर आप अपनी खाने पीने की आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे जितने भी भोजन जिनके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, या जिनके अंदर बहुत ज्यादा सेचूरेटेड फैट, चिकनाई बहुत ज्यादा होती है, या ऐसे भोजन जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मीठे भोजन, ये तीनों ही प्रकार के भोजन जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ब्लड प्रेशर को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये ब्लड शुगर को भी बढ़ाते हैं और ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अब इस कैटेगरी में देखिए, जितने भी फास्ट फूड आते हैं, जितने भी डब्बा बंद भोजन है, बाहर के जितने भी भोजन है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो आपके पसंदीदा भोजन हो, चाहे वो पिज्जा हो, पास्ता हो, बर्गर्स हो, इवन नॉन वेज हो, नॉन वेज में खासतौर से जो रेड मीट है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, आइसक्रीम, डेजर्ट्स, ये सारे जो भोजन है ये इसके कल्प्रिट होते हैं, क्योंकि इन सारे भोजनों में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इनका असर क्या पड़ता है, ऐसा क्या है कि ज्यादा नमक खाने से क्या हो जाता है या ज्यादा चिकनाई खाने से क्या हो जाता है। तो देखिए, नमक जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी एलिमेंट है। नमक अगर कम हो जाए शरीर में तो भी दिक्कत की बात है, तब भी जान का खतरा हो सकता है। नमक बहुत ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान हो सकता है। हम अगर लगातार ज्यादा नमक खाते हैं अपने भोजन में, तो हमारे खून के अंदर जो है वो सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि नमक को जो है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। जब आपके खून के अंदर नमक की मात्रा बढ़ने लगती है, तो बॉडी का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे 5 स्टेप होते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि नमक क्यों आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो देखिए, पहला स्टेप तो यही है कि जैसे जैसे आप ज्यादा नमक खाते हैं, नमक आपके शरीर में इकट्ठा होने लगता है। अब जब ज्यादा नमक इकट्ठा होता है, तो उसका दूसरा स्टेप यह है कि नमक जो है ना वो पानी को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से आपके शरीर के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा होने लगता है, रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाता है। अब जब रिटेंशन ऑफ वाटर होता है, तो आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कई बार कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को, या किडनी पेशेंट्स को, या हार्ट के पेशेंट्स को बदन पे सूजन आ जाती है, हाथ पैरों पे स्वेलिंग दिखने लगती है। उसका कारण ही ये वाटर रिटेंशन होता है। तो जब ये आपका वॉल्यूम बढ़ गया ब्लड का, तो ये अपने आप में फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण हो जाता है। अब हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं तीसरे नंबर पे, तो ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इस वाटर को और सोडियम की मात्रा को, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। और चौथे पॉइंट पे आके एक हमारी बॉडी का सिस्टम होता है जिसको RASS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के नाम से हम जानते हैं, ये सिस्टम एक्टिवेट कर देती है हमारी बॉडी। अब इस सिस्टम का काम क्या होता है कि ये जो है ना दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करता है, सोडियम को भी और ये जो वाटर है उसको भी। तो इसके एक्शन से जो भी ये यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये जो रास रिलीज होता है, इसकी वजह से पांचवें नंबर पे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ने लगती है। अब जब प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है, तो एक तरीके से ये दिक्कत बढ़ती रहती है जब तक नमक कम ना हो। अगर आप नमक कंटिन्यू खाते रहते हो, तो ये सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके से ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए आपको नमक को कट ऑफ कर देना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लें, कोशिश करें आप चना नमक या उस तरह के जो रॉक साल्ट है उनको इस्तेमाल करें, वो फिर भी थोड़े बेहतर रहते हैं, लेकिन नमक खाए थोड़ी मात्रा में खाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, देखिए सेचूरेटेड फैट्स वगैरह जो है, ट्रांस फैट्स या सेचूरेटेड फैट्स जो है, और जितने भी आपके तले भुने भोजन होते हैं, समोसे, पकौड़े, इन सब में जो है ट्रांस फैट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। बाहर के ऐसे जितने भी भोजन है जिनमें ट्रांस फैट्स या सेचूरेटेड फैट्स यूज होते हैं, या एनिमल फैट्स यूज होते हैं, उनसे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि ये जो है ना ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करते हैं। और आप लगातार अगर ट्रांस फैट्स खाते रहते हैं, सेचूरेटेड फैट्स खाते रहते हैं,
जो हमारी आदतें भी हैं कि आज ऑनलाइन हम फटाफट से कोई भी पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर देते हैं, तो ये आपकी आर्टरी के अंदर जो है ना वो कोलेस्ट्रोल की मात्रा को बढ़ाने लगता है। आपके ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ेगी तो आर्टरीज में कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट शुरू हो जाएंगे, तो जो आर्टरी पहले चौड़ी थी अब वो सिकुड़ने लगेगी, क्योंकि नीचे नैरो का हो जाएगी, ल्यूमेन कम हो जाएगा आर्टरी का, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगेगा। दूसरा, क्योंकि ओवरऑल ये ओबेसिटी मोटापे का कारण भी बनती है चिकने भोजन, तो जब बदन मोटा हो जाता है तो आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर से जो है ना हार्ट ब्लड को शरीर के दूर के हिस्सों को पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके हार्ट के ऊपर तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, इससे हार्ट की दूसरी बीमारियां भी डेवलप होने लगती है। और साथ ही साथ अगर ज्यादा आपका ट्रांस फैट्स वगैरह बॉडी में इकट्ठे होते हैं, आपको ओबेसिटी हो जाती है, तो फिर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगता है। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है तो आपको ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, ब्लड शुगर बढ़ता है तो अल्टीमेटली ये किडनीज पर असर डालता है, फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है कि आपके किडनी से फिल्ट्रेशन ठीक नहीं होता है, सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, और फिर आपका ये नेवर एंडिंग हाई ब्लड प्रेशर का जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है। और तीसरी जो हमने बात की थी, ऐसे भोजन जिनमें मीठा ज्यादा हो, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, या जितने भी, जैसे जहाँ पे कॉर्न सिरप्स का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये भी आपके मोटापे को बढ़ाता है, इंसुलिन की रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है शरीर में, तो आपकी जो अंदर आर्टरीज के अंदर जो वहां पे डैमेज होना शुरू होता है, और जो छोटे छोटे बारीक आर्टरीज होती हैं जब वो डैमेज होने लगती हैं, तो आपके उस सिस्टम में चाहे वो किडनी हो, चाहे आंखें हो, या दूसरे सिस्टम्स हो, वहां पे भी खराबी आने लगती है। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों कॉम्पोनेंट कहीं ना कहीं एक साथ अगर मिलते हैं तो फिर एक सिंड्रोम बना लेते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है, और फिर आप बहुत सारी बीमारियों से गिर जाते हैं, ना कि सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से, बल्कि आप हाई ब्लड शुगर से भी गिर जाते हैं, हार्ट की बीमारियों से भी घिर जाते हैं, किडनी फेल्योर की तरफ मरीज जाने लगता है, और इवन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी धीमी होने लगती है, तो इस तरीके से सिंड्रोम बन जाता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को कम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है। तो इन सब भोजनों को आप अवॉइड करें, बाहर का खाना बंद करें, कभी कभार चलिए कोई बात नहीं है, रूटीन में आपके साथ नहीं होना चाहिए। आज की डेट में अगर आप हेल्दी हैं तब भी अगर ये भोजन लगातार खा रहे हैं तो कुछ सालों बाद आप फिर उस खाने में आ जाएंगे, तो बेहतर है कि आप आज से ही इनको कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करें, धूम्रपान ना करें, शराब ज्यादा ना पिए, मीठा बहुत ज्यादा ना खाएं, तली भुनी चीजें ज्यादा ना खाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि भाई फिर खाए क्या? तो देखिए, खाए आप ऐसी चीजें जो नेचर ने आपको डायरेक्ट दी, उनको प्रोसेस ना करें, अनप्रोसेस्ड फूड खाएं, साबुत अनाज खाएं, उबले हुए अनाज खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, आप मूली, चुकंदर, गाजर, खीरा, ककड़ी, ब्रोकली, पालक, अंगूर, केला, अनार, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी भोजन में आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन डी को अपने लेवल को बढ़ा के रखें, हमारी शहरी पॉपुलेशन में विटामिन डी कम होता है, ये भी एक कारण होता है आजकल जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे भोजन करें जिससे आपको विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, हेल्दी भोजन हो और उसमें विटामिन डी और दूसरे विटामिन की प्रचुर मात्रा हो। प्रोटीन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए प्रोटीन के लिए आप दालें वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सी फूड्स है, फिश वगैरह जो है, वो बहुत अच्छे हेल्दी भोजन माने जाते हैं और प्रोटीन भी उनका काफी अच्छा माना जाता है। तो आप तीनों समय का जो भी आपका भोजन है उसको आप नाश्ते में, लंच में और डिनर में इस तरह से बांटे कि आपके सुबह के और दोपहर के भोजन में मैक्सिमम फलों का और सब्जियों का मिश्रण रहे और प्रोटीन का मिश्रण रहे, रात का खाना आप हल्का इस्तेमाल करें। नाश्ते में आप देखिए अंडा, दो अंडे ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, कटोरी हरे धनिया और हरी सब्जियां, पालक, गोभी, गाजर, इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आप जरूर पिए, लेकिन टोंड पिएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, या उसकी मलाई हटा के पिएंगे। दोपहर के खाने में आप एक कटोरी उबले चने ले सकते हैं, स्प्राउट्स का यूज कर सकते हैं, एक से दो रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में सलाद और हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और रात के समय में देखिए आप एक कटोरी दाल पी सकते हैं, पालक पनीर, मटन पनीर, इस तरह की कोई सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप अनाज शाम को ना लें, अगर लें तो फिर थोड़ा बहुत आधी एक रोटी खा लें या थोड़े साबुत चावल इस्तेमाल कर लें, उनका पानी उतार दें तो ज्यादा अच्छा हो। तो इस तरीके से आपके लिए परफेक्ट डाइट होगी, और आप देखेंगे अगर आपने ये इस्तेमाल किया तो आपको लाजवाब फायदे मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम का रहेगा। अगर वाकई आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लें, सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन का बटन भी दबा ले, इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।